and I love. And now you should pass the plate. Vodafone ka Zuzu. Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So finally, I'm doing this challenge because आप लोग कितने बार आप लोगों ने बोला कि Mexican food खाओ. वैसे मुझे कौन सा cuisine होता है जो मुझे पसंद है? Tibetan food, steamy food के अलावा मेरे को और कोई cuisine उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. Mexican ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें घुमा फिरा के एक ही kind of sauces होते हैं. बट मैं सिर्फ और सिर्फ ले रही हूँ दो रीजन की वजह से. एक कि आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, एंड सेकंड उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड होता है एंड आई लव स्पाइसी फूड. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली यमिलीशियस अपडेट्स. चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं. सो बिफोर माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरे को मन नहीं कर रहा था कैसा दिया या फिर टैकोस बनाने के लिए, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया. कैसा दिया मैंने पहले एक चैलेंज में बना के खाया हुआ था, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ, आप देख लो. फॉर टॉर्टिला ब्रेड वी आर मेकिंग मैदा का रोटी हियर, एंड उसको हम लोग यहाँ पर सेक ले रहे हैं. देखिए दो रोटी हमने बना ली है. द सॉस इज रेडी एंड माई वेजीज आर रेडी. लाइक आई टेकन स्वीट कॉर्न, अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, एंड आई टेकन सम मिक्सड हर्ब्स. अब इसमें सारी सब्जियाँ डाल दीजिए एंड हल्का सा टॉस करना है आपको. अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर. अब इसमें डालिए मिक्सड हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स. इसको हल्के से टॉस कर लीजिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ टॉस करके उतार लेना है. हमें सारी सब्जी क्रंची चाहिए. थोड़ा पैन में हमने तेल ले लिया है टॉर्टिला ब्रेड. अब इस पर डालिए सॉस. ये बेसिकली मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया हुआ है. अच्छे से फैला लीजिए पूरी तरफ. अब इस पर डाल दीजिए वो सौते की हुई सब्जियाँ. यहाँ पर ये मैं वेज कैसा दिया बना रही हूँ. अगर आप चाहें तो नॉनवेज भी बना सकते हैं. उसके लिए आपको एक चिकन का मैरिनेटेड चिकन बना के उसको फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं. वो रेसिपी अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए. अब इसके ऊपर ग्रेट कर दीजिए चीज़. अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा सेकेंड टॉर्टिया. इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा तेल. अब इसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे. तो माय केसादिया इज रेडी. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट स्लाइस दिस अप. दिस इज हाउ माय केसादिया लुक्स लाइक. सो द रेसिपी इज क्वाइट इजी, आपने देखी ली होगी. बट क्या ये वैसा दिख रहा है जैसा मैंने बनाया है? ये मैंने मंगवाया हुआ है पनीर केसादिया. इनका टॉर्टिला ब्रेड बड़ा डिफरेंट लग रहा है. एंड मैंने ऑर्डर किया है टैकोस. नाउ टैकोस एंड केसादिया बोथ लुक सिमिलर. This is not taco. This cannot be taco. यार ये तो चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया. ड्रॉप इन सम केचप बिकॉज विदाउट केचप आई कैन ईट. इसका फिलिंग कैसा वैसे दिखा देती है. इसके अंदर शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, एंड देयर इज अनियन, पनीर, बिकॉज दिस इज पनीर कैसा दिया. दिस इज नॉट कैसा दिया. अंदर बिल्कुल भी चीज नहीं है, बहुत सूखा टेस्ट कर अंदर. ये वाला जो पका टॉटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी है, बहुत फ्लेकी है. ये है मेरे पास मिक्स्ड केसादिया मैंने मंगाया है. दिस स्टिल लुक्स बेटर. इसके अंदर सेम वेजीज हैं, बस पनीर. हाँ इसमें भी पनीर है. तो इसमें और पनीर में फिर डिफरेंस क्या है? टेस्ट वाइज स्टिल दिस इज बेटर देन दैट. असली मैक्सिकन खाने का मजा लेना है ना, मेक्सिको में जाके लेना पड़ेगा. इफ आई गेट बिरिया, बिरिया इज सम काइंड ऑफ स्टॉक लाइक दिस. इस बिरिया में टैकोस डुबो डुबो के खाओ. दैट्स व्हाट मेक्सिकन फूड इज ऑल अबाउट. अब ये आ गया हमारे पास टैकोस. ये इसमें वही सब्जी डाली हुई है और मेयोनीज डाला हुआ है, चीज डाला हुआ है. ये क्या हुआ? मेक्सिकन फूड चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही मैं इतनी उदास हो गई. नो दिस इज नॉट गुड. अजीब सा स्मेल भी आ रहा है. आई कैन ईट दिस. आई थिंक केसादिया वॉज स्टिल बेटर, टैको इज नॉट दैट गुड. मैं खा नहीं पाऊंगी क्योंकि इसमें ना एक अजीब सा भपसा स्मेल नहीं आता, वैसा आ रहा है. इट्स नॉट फ्रेश और व्हाट आई डोंट नो. आई एम नॉट गोना ईट दिस. आई एम डेफिनेटली गोना गो आउट एंड ईट टैकोस एट अ गुड प्लेस. ऑरेंज ऑरेंज ऐसा लग रहा है कि मैं ऑरेंज कलर फूड चैलेंज कर रही हूँ. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. वैसे भी आज संडे है, आप देख सकते मेरा चेहरा बहुत ऑयली हो चुका है. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू इज गो टेक शावर एंड देन बाहर निकल के हम कुछ अच्छा खाते हैं. फूड फैम, समर्स आर हेयर एंड विद समर्स हमारे हेयर कितने फ्रीजी हो जाते हैं, स्कैल्प इतना ऑयली हो जाता है, एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है. रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग मोरक्कन आर्गन हेयर रेंज प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाउ. दिस थ्री प्रीमियम प्रोडक्ट्स वर्क एज अ टीम टू स्ट्रेंथन हेयर फॉलिकल्स, रिड्यूस हेयर डैमेज एंड इम्प्रूव हेयर हेल्थ. आई स्टार्ट ऑफ बाई यूजिंग वाउ स्किन
इन साइंस का मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल, जिसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड जोजोबा ऑयल, जो हेल्प करता है स्ट्रेंथनिंग हेयर फॉलिकल्स, रिड्यूसेस हेयर डैमेज एंड इम्प्रूव हेयर हेल्थ। 2 टेबलस्पून ऑयल लीजिए एंड स्कैल्प पे अच्छे से जेंटली मसाज करके इसको आप 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट रख के दूसरे दिन शैम्पू कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई यूज वाओ स्किन साइंस का मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू। टेक अ जेनरस अमाउंट ऑफ शैम्पू एंड मसाज ऑल ओवर योर स्कैल्प एंड ट्रेसेस जेंटली विद योर फिंगर टिप्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद सिंपली वॉश ऑफ योर हेयर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन टू रिस्टोर गुड हेल्थ टू योर ट्रेसेस एंड रिड्यूसेस हेयर लॉस। नाउ लास्टली आई यूज दिस मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर। नाउ कंडीशनर इज समथिंग विच आई एंड यू स्वेयर बाय। कंडीशनर इज अ मस्ट। इसके अंदर विटामिन ई एंड विटामिन B5 है, जो आपके बालों के हेल्थ का ध्यान रखती है। इट गिव्स अ वेरी नाइस टेक्सचर एंड सिल्कीनेस टू योर हेयर। सो सिंपली पोर अ डॉलप ऑफ द कंडीशनर ऑन योर पाम, मसाज इट ऑन टू योर स्कैल्प फॉर 4 to 5 मिनट्स एंड देन रिंस थॉरली। दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाओ आर होलिस्टिकली हेल्दी एंड 100% वीगन। सो चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माई कोड ताकि आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिले। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल जानना, तो आप इस कोड को सिंपली स्कैन करके इनके वेबसाइट में जाके इन प्रोडक्ट्स और इनके अलावा और भी प्रोडक्ट्स की डिटेल पा सकते हैं। एंड चलो अब हम जाते हैं लंच करने, बिकॉज सुबह का ब्रेकफास्ट वाज लिटिल मूड स्पॉइलर। तो चलिए देखते हैं मेक्सिकन लंच हमें कहाँ मिलेगा। For my lunch, I have come to this place. Very ambient, very nice, very cozy, comfortable place called Cafe 360 Degree. कोलकाता के हर कैफे में few of the very popular dishes आपको मिल जाएगा, जिसमें से एक है Mexican rice with jacket potato. तो the things which I have ordered here are Mexican rice with jacket potato, but that's sizzler. Mexican sandwich. Then I have ordered for Mexican bean toast, Mexican crepe. This lunch is going to be very tasty. Lunch करने से पहले we are drinking this Hawaii drink. Now I don't know it's Mexican or not, but I was very thirsty. When it comes to Mexican cuisine, people drinks a lot of a cocktail, watermelon cocktail infused with tequila and spices, red paprika and all. वो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, सो यही पी लेते हैं। वाओ, द टेस्ट इज लाइमी, वनीला आइसक्रीम ऑन टॉप। दिस इज बेसिकली ब्लू लगून सिरप एंड इन्फ्यूज्ड विद सोडा एंड देयर पाइनएप्पल। ओ गाड़ी, तू शिकागो का टी शर्ट पहनी है, मेक्सिकन फूड खा रही है, हवाई ड्रिंक पी रही है, कौन सा चैलेंज कर रही है? शट अप। मेक्सिकन बीन टोस्ट, तो चलिए पहले इसको खाते हैं। ये बेसिकली मेरे को मेक्सिकन गार्लिक ब्रेड जैसा लग रहा है, जिसके ऊपर है बीन एंड ऊपर से चीज़ डाला हुआ है एंड ओके दिस कैप्सिकम, जैसे कि मैंने कहा था कि ये लोग बहुत कैप्सिकम खाते हैं, दिस कैप्सिकम। इन्होंने एडिशन में वेफर्स भी दिया है। गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी चटपटा। ना मेक्सिकन खाना स्पाइसी होता है और चटपटा होता है, एंड ये जो चीज़ है ना, ये टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है। अंदर जो सब्जियों का क्रंच है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आ गया हमारे पास मेक्सिकन सैंडविच। सो बेसिकली इसके अंदर जो स्टफिंग है आप देखो, ओह इट्स चीज़ी। As you can see, there's colored bell pepper inside. Wow, this looks very masaledar and spicy. This looks very tempting. I feel ki jo humne abhi bean toast mangwaya tha, to bean toast ka stuffing hai wahi hai, but I think do breads ke beech mein. Same filling, but iske andar zyada filling hai wala. The bread is so well toasted. It's spicy, it's tangy, it's very flavorful. Bell pepper ka kaafi acha taste aa raha hai, bahut acha taste aa raha hai. मेक्सिकन खाना खाए और पहली पहली फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए, कैसे कैसे हो सकता है? ये हमारे पास है 1000 आइलैंड डिप, इसके साथ इसको खाएंगे। लिटरली मेरा पूरा लॉकडाउन इस पेरी पेरी मसाले की वजह से निकला है। द बेस्ट पार्ट अबाउट पेरी 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 मसाला इज इट्स टैंगी एंड इट्स स्पाइसी जस्ट लाइक मी। सो ये देखिए हमारे पास आ गया है मेक्सिकन क्रेप। ना ये है वो पूरा फिलिंग मेक्सिकन वाला जो सालसा, एंड ये है क्रेप, उसके ऊपर ब्लैक ऑलिव दिया हुआ है। एंड लेट्स सी नाउ, माय गुडनेस दिस इज कम्प्लीटली लोडेड विद दिस
The crepe is basically stuffed with beans and tomato filling. And ये side में जो है आपको दिख रहा है, this is the capsicum, tomato and all veggie salsa, which is basically Mexican salsa. Now this is topped with gluey cheese. Now let's just eat this. गरम गरम खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. बीन्स का जो टेक्सचर है ना वो काफी क्रंची एंड क्रीमी है. दिस ग्रेवी इज फैब्यूलस. दिस ग्रेवी इज वेरी 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 फ्लेवरफुल. इन द इंटायर कुजिन, आई थिंक द इंटायर मेक्सिकन कुजिन इन इटसेल्फ इज वेरी फ्लेवरफुल, जस्ट लाइक द पीपल अप देयर. बिकॉज जितना भी मैंने मेक्सिको का वीडियोज देखा है, मेक्सिकन कुजिन के बारे में पढ़ा है, पीपल आर वेरी लाइवली देयर. बट एक ही चीज़ है कि यहाँ पर मैंने जितने खाने ऑर्डर किए ना, सब एक ही किस्म के, मतलब द टेस्ट है ना, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने भी ग्रेवी मसाला जो भी, सब टेस्ट एक ही जैसा लग रहा है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर था बिकॉज ऑफ द बीन्स. नाउ आई थिंक आई शुड जस्ट वेट फॉर द राइस बिकॉज लंच टाइम एंड आई बैडली नीड राइस एंड आई लव. नाउ यू शुड पास द प्लेट. आई एम डेफिनेटली पासिंग ऑन द प्लेट. बट मेक्सिकन राइस एंड जैकेट पोटैटो इज अ थम्स अप आइटम. If you ever try, if you are eating Mexican food for the first time, then आप वो order कर लो, Mexican rice with jacket potato. यही वाला सॉस से Mexican rice को toss किया जाता है, but still better, it's very good. अभी तो मेरे को लग रहा है मैं सब तब से सिर्फ same same खाना खा रही हूँ. Finally, ये आ गया हमारे पास Mexican rice and jacket potato. Now ये है Mexican rice. इसके अंदर ये जो crunchy sweet corn and bell pepper होता है ना, I just love. इसके साथ इन्होंने दिया है nachos. And here we have got the jacket potato. अब ये इसके ऊपर आना चाहिए था, but because they did not want my plate to be messy, so उन्होंने अलग से दिया हुआ है. I just हाँ ठीक है. I will now, this is the jacket potato. This looks very 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 tempting. So I'll take this in the plate. Wow, I love aloo. And then let us take some Mexican rice. Oh, the sizzling sound is so appetizing. Woohoo! Now let's just dig into the taste. Nachos ke saath is jacket potato ko khate hain. Kya khad aloo? Aloo is on the. Main khati bhi hu, burn bhi karti hu. Dikh raha hai. Anja zuzu. By the way, लोग अगर आप मेरे से कोई बहुत जन पूछते हैं कि मैं इसको जुजू क्यों बुलाती हूँ, तो कोई किसी को याद है जुजू क्या था? वोडाफोन का कार्टून. He looks exactly like वोडाफोन का जुजू. You look like? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती. You look like? भालू. Thank you. This tastes amazingly delicious with the jacket potato. Now, एक चीज और बता दूँ. ये वाला जो gravy is very tangy. Mexican rice के साथ baked potato होता है. एंड उस बेक पोटैटो के अंदर जो स्टफिंग होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट डिफरेंट जैकेट पोटैटो मिलेंगे. जैसे वरुण के कैफे में जो मिलता है वो आलू के अंदर स्टफिंग रहता है, उसके ऊपर ये ग्रेवी डाला रहता है. यहाँ पर ये जो आलू है, दिस पोटैटोज आर बेसिकली नॉर्मल फ्राइड. सो वैसे मैं नग्स एंड शॉट्स प्रमोट नहीं करती हूँ, बट कभी जाओ तो नग्स एंड शॉट्स का मैक्सिकन फूड डेफिनेटली खाना, बिकॉज वहाँ पर दीपांकर शेफ है हमारा एंड ही कुक्स अमेजिंग फूड. यू शुड डेफिनेटली ट्राई. तुम लोग का फेवरेट क्या है मैक्सिकन शॉट्स का? पेस्टो पास्ता बेक्ड मैक्रोनी इज मोस्ट 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 रिकमेंडेड. इफ यू सेजवान राइस, वो क्या था, सेजवान रिंग्स विद राइस. Few of the items are my favorite from Mugs and Shots. A lot of people are saying कि मेरे को Mugs and Shots का वीडियो करना चाहिए. No doubt. So वरुण, क्या मैं आ सकती हूँ? Sure. Will you sponsor my video? Without Monty. So I'll soon do 24 hours eating Mugs and Shots का खाना and मैं सिर्फ अपने फेवरेट खाना वहाँ पर खाऊंगी एंड ऑल्सो आई ईट द फूड विच आई हैव, यू नो द मेन्यू विच आई हैव क्यूरेटेड. चलिए फिलहाल अभी हम लोग मैक्सिकन फूड में आ जाते हैं. मतलब अंटिल आई वॉज वेरी इनग्रॉस्ड इन सिंपल फूडी, उससे पहले मेरे को मैक्सिकन फूड मतलब मैक्सिकन राइस विद जैकेट पोटैटो ही पता था. अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें पता है. एंड जब वरुण के कैफे के लिए मेन्यू हम लोग क्यूरेट कर रहे थे, तब मुझे पता चला था कि मैक्सिकन फूड में एंचिलादास होता है, बुरीतोज होता है, सो मेनी डिशेज. हाँ, केसादियाज होता है, बहुत सारा चीज़. आई शुड रियली थैंक्स वरुण, बिकॉज उससे मेनू को क्यूरेट करते वक्त काफ़ी नॉलेज मेरे को मिला एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में वरुण ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो पहले तो लिमिटेड नॉलेज था. इन मेक्सिकन कुजिन पीपल टेंड्स टू ईट अ लॉट ऑफ कॉर्न एज वेल, क्योंकि वहाँ पर मेक्सिको में काफ़ी कॉर्न यार्ड्स हैं. वहाँ पर जो टॉर्टिला ब्रेड होता है ना, उनका कॉर्न का टॉर्टिला ब्रेड भी होता है, कॉर्न ब्रेड्स
They eat a lot of corn bread, corn soup, corn starters, a lot of corn related dishes. Now, सब खाना तो ठीक. मुझे ये सिज़लर का ना ये लास्ट में जो कैबेज होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है. लोग इसको छोड़ देते हैं, बट इसको इसलिए डाला जाता है ताकि वो जो नीचे तवा गर्म रहता है बोल के खाना जले नहीं बोल के इसको डाला जाता है. बट मैं हमेशा खाती हूँ. क्या आप मेरी तरह है तो कमेंट करके बताइए. ओह, आई लव दिस. वैसे हाँ, ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चल रही है. हवाए मुझे ले जाए ले जाए ले जाए. किधर? तेरे ससुराल. जो अभी तक बना नहीं है. सो वेदर इज अमेजिंग एंड अभी वी विल हेड टूवर्ड्स फॉर आर इवनिंग स्नैक्स. बहुत अच्छा वेदर है. लिटरली मन कर रहा है बस स्ट्रीट फूड खाऊँ. यू नो पुचका खाऊँ अभी गर्मा गर्म. काठी कबाब रोल खाऊँ. मन तो ये सब कर रहा खाने का. बट ठीक है, लेट्स सी अभी इवनिंग स्नैक्स में हम लोग क्या खाएंगे. बट वेदर बहुत अच्छा. सजाते रहन सारे सूट पराणिया. Peter is to Keel, the Thailand is to Preesh, and our English is Weed. Sorry. Wild streams. लड़का लोग को देखते शर्म नहीं. कपड़ा देख रहा है जैक एंड जोंस का. Wild streams. ये मैं हूँ. मैं हूँ. तो अभी फॉर माई इवनिंग स्नैक्स आई कम टू दिस प्लेस इन सदर्न एवेन्यू विच इज एक्सटासी. सो बेसिकली दिस प्लेस इज फेमस फॉर सी फूड. नाउ यहाँ पर मैं आई हूँ खाने टैकोज, चिकन टैकोज एंड सी फूड टैकोज. एंड ऑल्सो लंच टाइम में हमने इतना वेज खा लिया था, मेरे को कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा था. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग विच वी हैव ऑर्डर्ड इज द चिकन टैकोज. नाउ आप देखो इनका बेस्ट पार्ट जो है, एक तो ये जो टैको शेल है ये इनका खुद का यहाँ पर इन हाउस बनाया हुआ है. नॉर्मली क्या होता है, कॉर्न का टैको शेल होता है जो बाहर मिलता है. इसके ऊपर फिर इन्होंने यहाँ कुछ सॉस स्प्रेड किया हुआ है. देन देयर इज लेटिस एंड यहाँ पर ये ग्रिल चिकन डाला हुआ है. द स्ट्रिप्स ऑफ चिकन लुक्स अमेजिंग. एंड अगेन इसके अंदर यू कैन सी सम वेजीज, लाइक आई कैन सी सम बेल पेपर्स एंड आई थिंक देयर इज ज़ुकीनी एज वेल. दिस सालसा, मेक्सिकन सालसा, जिसके अंदर बेल पेपर, मिर्ची, देन यू हैव अनियन. लुक्स टेम्प्टिंग. लेट मी ट्राई दिस. स्पाइसी टैंगी. टैमरिंड का टेस्ट आ रहा है. वाओ, दिस इज सो गुड. वी वर लिटरली वेटिंग हियर फॉर मोर देन हाफ एन आवर. बट यू नो इट्स वर्थ द वेट. हम बेसिकली साउथ कोलकाता आए थे टू ट्राई टैकोस इन टैको बेल. बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेट अस ट्राई सम नॉर्मल आउटलेट. थैंक गॉड आई फाउंड दिस. The taco shell is so well cooked. अंदर का जो चिकन है सो जूसी, वेरी फ्लेवरफुल. अगर आप सालसा के साथ नहीं भी खाए ना तो ये सिंपली ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट करता है. और ये आ गया मेरे पास मेरा सी फूड टैको. वाह, लुक एट द प्लेटिंग. द प्लेटिंग इज वेरी गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. वाह, इसमें से तो प्रॉन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. Maybe you have this lettuce. I can see some squid rings, prawn, bell pepper, cheese, and ye upar zucchini. Looks fabulous, fabulous. I'm so excited to try this. This is best. This is like for me, it's better than chicken because I love seafood. I love prawn. I love squid. बट चिकन वाला भी बहुत अच्छा था. बर्न भी खाया है. यू लाइक इट? दिस इज अमेजिंग टैको. वेरी नाइस, वेरी नाइस. स्क्विड का टेक्सचर इज लिटिल चूई एंड स्वीट एंड प्रॉन मीट इज सो क्रंची एंड स्वीट. दिस इज गोइंग सो वेल विद द सालसा. ना ये हमारे पास आ गया है चूरोस, चॉकलेट चूरोस. ना दिस इज डिलीशियस, डिलीशियस, डिलीशियस. अब मेक्सिकन फूड खाएं और चूरोस नहीं खाएं तो कैसे हो सकता है? आई लव. आज का दिन, आज
का दिन वाज सो एग्जॉस्टिंग ऑनेस्टली. मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे को खुद ही कुछ घर में बना लेना चाहिए था, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं है और इसको एफर्ट लेना नहीं था बनाने का बिकॉज इतना गर्मी पड़ा हुआ है. एंड पापा वॉज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग मी बिकॉज ही इज ऑलवेज इन टू बिरयानी बिरयानी चाप चाप. ही वाज लाइक हम नहीं बना रहे मेक्सिकन मेक्सिकन इंडियन बनाना पसंद है. हाँ एंड पापा वाज लाइक हम ये मेक्सिकन टेक्सिकन नहीं बनाना. मैं बोली मेक्सिकन टेक्सिकन नहीं होता, टेक्समेक्स होता है बट व्हाट इज टेक्सिकन. सो हमने अभी अपना डिनर ऑर्डर किया है. सो अभी मैंने कुछ नॉनवेज मंगवाया है. आई हैव ऑर्डर्ड बर्रीटोस एंड आई हैव ऑर्डर्ड मेक्सिकन पिज्जा, स्पाइसी चिकन मेक्सिकन पिज्जा. तो देखते कैसा. सो ये है मेरा स्पाइसी चिकन मेक्सिकन पिज्जा. नाउ बिकॉज मेक्सिको फूड इज़ ऑल अबाउट हालापिनोज एंड बेल पेपर्स एंड कॉर्न एंड इसमें बस एडिशन है चिकन का. एंड दिस इज़ नॉट थिन क्रस्ट, दिस इज़ बेसिकली मीडियम क्रस्ट पिज्जा, लुक्स गुड. इसके साथ वी हैव गॉट अ मेयो डिप एंड वी हैव गॉट सम केचप, आई लव केचप एंड सम सीजनिंग. आई हैव ऑर्डर्ड सम बर्रीटो. नाउ बर्रीटो के साथ यहाँ पे हमें फ्रेंच फ्राइज भी मिला, तो लेट मी टेक आउट द बर्रीटो. पहले पिज्जा का स्लाइस खाते हैं और अभी डिनर में बिट्टू मेरे को कंपनी देगा बिकॉज आई एम फुल, मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा. तो मैंने बोला तुम रह ले मेरे साथ वीडियो में, तो तुम रहेगा तो मैं खा लूंगी सब कुछ. कॉम्पिटिशन ही, इट्स जस्ट ईटिंग. वाओ, डू यू वांट सीजनिंग? सो मैं लूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऑन टॉप. आई लव फ्लेकी फ्लेकी. एंड इसके साथ जो डिप है, डिप में लगाएंगे हम थोड़ा सा. वाओ कैसा है? अच्छा. जबकि ये ना थोड़ा मीडियम क्रस्ट पिज्जा विच आई डोंट लाइक यूजुअली, इसका फिलिंग देखो काफी अच्छा है एंड ये जो चिकन है ना इट्स वेरी फ्लेवरफुल, वेरी नाइस. डो भी बहुत सॉफ्ट है. बहुत अच्छा. पहले एक तो मंगाती अच्छा अच्छा खाना नहीं मंगाई. अरे नहीं पता था ना वो, जब बाद में मेनू में देखी ना कि पिज्जा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि मेक्सिको में या मेक्सिकन क्यूजीन में पिज्जा होता है बिकॉज पिज्जा इज बेसिकली इटालियन. तो जब मैं यहाँ से ऑर्डर कर रही थी ना, तो जब मैंने मेन्यू में देखा कि देयर इज मेक्सिकन पिज्जा, मैं बोली कि चलो मंगा के देखते हैं. और उनका बेस्ट सेलर भी था तब मैं मंगाई टू ट्राई आउट. सो बेसिकली दिस इज चिकन बुरीटो. आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे को पर्पल कैबेज दिख रहा है, कुछ वेजीज दिख रहा है, मेयोनीज दिख रहा है, कॉर्न भी दिख रहा है एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल चंक्स ऑफ चिकन. तो चलिए इसको खा के देखते हैं. This is so good. This is damn spicy. आप देखो इसके अंदर कितना प्यारा अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिलीज एंड द चंक्स ऑफ चिकन इज सो गुड. इट्स अ गुड फीलिंग एंड ऑल्सो द टॉर्टिया ब्रेड इज वेरी फ्रेश, बिल्कुल भी डोई टेस्ट नहीं कर रहा है. वाओ, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स सिंस मॉर्निंग आई हैव हैड. दिस इज रियली रियली वेरी नाइस बुरीटो. द क्रंच ऑफ चॉप्ड अनियन and green chili and the coriander along with the chunk of chicken and this tortilla bread and the spread of cheese and mayonnaise or cream cheese is just too good. So this was all about today's challenge, Mexican food for 24 hours. I hope that you have enjoyed this video. If you do so, to jaise ki main hamesha kehti hu, video ko like karo, शेयर करो टू द वन जो डाइट पे है, या फिर टू द वन जिसको हमेशा भूख लगता है, या फिर टू द वन हु लव्स मेक्सिकन फूड, उनके साथ शेयर करो. शेयरिंग इज केयरिंग एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि मेरे चैनल की जब भी कोई डिलीशियस कॉन्टेंट आए ना आप बिल्कुल भी मिस ना करें. बिल्कुल भी नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं. तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट.